भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है, फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बनके आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो तीन घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज शाम की सच्ची खबरों में आप सब भाई बहनों का स्वागत है। सभी भाई बहन वीडियो को फटाफट लाइक कर दें और पूरा वीडियो हर हाल में देख के जाना। आज बात करने वाले हैं सबसे पहली खबर की, जिसको भेजा है ममता बहन जो हरिद्वार से आती हैं। उन्होंने अखबार में छपी एक खबर को हम तक पहुंचाया है, जिसमें लिखा है आंगनबाड़ी वर्करों का मानदेय बढ़ाया जाएगा। देहरादून से यह खबर निकली है, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो, और नाराज आशाओं ने मांगा है स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा। आइए इस बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक पहले जान लेते हैं। देहरादून में खबर निकली है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, इन्होंने जो है इनको आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को उनका मानदेय बढ़ाने को लेकर शीघ्र निर्णय लेने का आश्वासन उन्होंने दिया है। तो यहां पर एक बात समझ में आई कि मानदेय अभी बढ़ा नहीं है उत्तराखंड में, उसको बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री ने केवल और केवल आश्वासन दिया है। और आज तक के अगर आंकड़े देखे जाए तो अभी तक जो भी सरकारों ने आश्वासन दिए हैं वो झूठ ही निकले हैं, यानी जुमलेबाजी ही सरकारों ने की है। सरकारों ने जो घोषणाएं की है यहां तक कि वो भी जुमले में ही तब्दील हुई है। तो सरकार का अभी तो महज ये आश्वासन है, ये तो 100% जुमले में ही तब्दील हो जाएगा। बात करते हैं, लिखा है मुख्यमंत्री के आश्वासन पर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने अपना प्रस्तावित सीएम आवास कुछ स्थगित कर दिया। सुबह मैंने इसके बारे में आपको बताया भी था कि आंगनबाड़ी बहनों की जो है, रात में बहनें अपना जा रही थी मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ और उनको रास्ते में रोक दिया गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सेविका मिनी कर्मचारी संगठन ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की है और इस दौरान संगठन अध्यक्ष रेखा नेगी के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने सीएम के समक्ष मानदेय बढ़ाने और जो है पूर्व में की गई जो कटौती है उसको भी वापस करने की मांग को उठाया है। इस पर मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि जल्दी आंगनबाड़ी वर्करों के हित में निर्णय लेंगे, लेकिन अभी सरकार क्या निर्णय लेगी ये नहीं बताया है। सरकार निर्णय लेगी कि भी नहीं लेगी ये भी नहीं कहा जा सकता, केवल मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है। अभी आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड उठा लो, सरकार ने तो घोषणा पत्र तक में शामिल किया था, वो तक पूरा नहीं किया। यहां तक कि 1500 बढ़ोतरी का ही लेटर उठा लो, 2-2.5 साल पहले 1500 रुपया यूपी में बढ़ा था, गवर्नमेंट ने उसको भी नहीं दिया। तो अभी यहां पर तो लेटर भी नहीं निकला, यहां तो अभी केवल आश्वासन मिला है। तो केवल आश्वासन से पेट नहीं भरता, ये हम सब जो है भली भांति परिचित हैं। वहीं पर आपको बता दें, राज्य सरकार की ओर से मानदेय में महज 1500 रुपए की बढ़ोतरी से आशा बहनें भी यहां पर नाराज हैं। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत उनके जो है यहां पर वादा खिलाफी का उन पर आरोप लगाया है और उनसे कहा है कि वो इस्तीफा दें। ऐसी बहनों ने जो है वहां पर मांग भी की है। तो 1500 रुपए की बढ़ोतरी की है सरकार ने आशा बहनों के मानदेय में और आशा वर्कर कह रही है कि 4000 रुपया की वृद्धि सरकार करे। ऐसी आशा बहनों भी जो है वहां पर नाराजगी देखने को मिली है। तो चाहे आंगनबाड़ी हो चाहे आशा हो, समस्याएं दोनों की मानदेय वृद्धि वाली सेम है। बात करते हैं अगले एक आदेश की, जो कि आप देख सकते हो निदेशक सब महिला कल्याण उत्तर प्रदेश से ये जारी है। 12 अक्टूबर को ये लेटर निकला था और ये समस्त विभागाध्यक्षों को, समस्त मंडलायुक्तों को, समस्त जिलाधिकारियों को और समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को ये लेटर भेजा गया है। इसमें विषय जो है वो देखने लायक है। विषय है दहेज प्रतिषेध अधिनियम, जिसका 1961 वाला, उसी के अंतर्गत उत्तर प्रदेश दहेज प्रतिषेध नियमावली 1999 यथा संशोधित नियमावली 2004 के प्राविधानों के अनुपालन में एक लेटर निकला है। इसमें आपको बता दें कि 31/3/2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा यह अवगत कराते हुए प्रदेश सरकार द्वारा जो है दहेज प्रथा, जो कि एक सामाजिक बुराई है, उसको रोकने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश दहेज प्रतिषेध नियमावली 1999 और 29/10/2021 प्रख्याति वगैरह उसकी की गई है, तो 29 अक्टूबर के लिए। तत्पश्चात दिनांक 31/3/2004 को उत्तर प्रदेश दहेज प्रतिषेध नियमावली 2004 प्रथम संशोधन जारी करते हुए नियमावली के नियम 5 में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक सरकारी सेवक अपने विवाह के समय
उल्लेख करते हुए अपने नियुक्त अधिकारी को स्वहस्ताक्षरित वगैरह घोषणा पत्र प्रदान करेगा कि उसने अपने विवाह में कोई दहेज नहीं लिया है। इससे संबंधित संकलित सूचना प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए जाने का अनुरोध किया गया है। इस संबंध में सूचना प्रमाण पत्र पर जो है अभी प्रतीक्षित है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट चाह रही है कि जो भी कर्मचारी है वो सभी जो है यहाँ पर क्या कहेंगे, जो एक नियुक्ति अधिकार अपने जो है नियुक्ति अधिकारी को जो है अपने स्व प्रमाणित करते हुए घोषणा पत्र देंगे जिसमें लिखा होगा कि वह अपने जो है विवाह में उन्होंने कोई भी दहेज नहीं लिया है। ऐसे उनको घोषणा करनी होगी और ऐसा एक जो है वहां पर सर्टिफिकेट टाइप का बन करके लगाया जाएगा। बाकी आप देखिएगा लिखा है कि उक्त के संबंध में अनुरोध है कि अपने अधीन विभागों और कार्यालयों में दिनांक 31/4/2004 के बाद विवाहित सभी सरकारी सेविकों से उपरोक्तानुसार घोषणा पत्र प्राप्त कर लिया जाए। उन्होंने अपने विवाह के समय कोई दहेज ना लिया हो इस आशय की संकलित सूचना प्रमाण पत्र प्राप्त करके ईमेल आईडी ये दी गई है, इस पर 18 अक्टूबर तक अनिवार्य रूप से एवं यदि कोई कर्मचारी उक्त आशय का घोषणा पत्र नहीं देता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई करने का कष्ट करें। ये मनोज कुमार राय है निदेशक उत्तर प्रदेश में और ये एक लेटर चौंकाने वाला उत्तर प्रदेश में जारी हुआ है। इसके मुताबिक आप सबको मैं एक बार कम शब्दों में बताऊं कि यहां पर बोल रहे हैं कि 31/4/2004 के बाद जो भी विवाहित सभी सरकारी सेवक हैं वो लोग अपना एक घोषणा पत्र जारी करेंगे जिसमें वो ये कहेंगे कि उन्होंने अपने विवाह में कोई भी दहेज नहीं लिया है। इस आशय के साथ में एक प्रमाण पत्र लगाया जाएगा। तो जो भी भाई बहन 31/4/2004 के बाद नौकरी में लगे हैं, जो भी लोग हों किसी भी विभाग में, तो उन सबसे इस तरह से एक घोषणा पत्र टाइप का मांगा जाएगा। यह आप लोगों को मैंने आज दिखाया है, काफी बड़ी खबर यह है जो आप लोगों ने देखी है। अब बात करते हैं अगले एक मैटर की, प्रारूप भी इसके लिए आया है। उत्तर प्रदेश दहेज प्रतिषेध नियमावली 2004 प्रथम संशोधन के नियम 5 के अंतर्गत कार्मिकों द्वारा दहेज ना लेने संबंधी एक प्रारूप भी आया है, यानी घोषणा पत्र आया है, जिसमें कालम बने हैं क्रम संख्या का, जनपद के नाम का, कार्मिक के नाम का, पदनाम का और नियुक्ति की प्रकृति, नियुक्ति की तिथि और विभाग और कार्यालय के नाम का। इसमें लिखा है मैं और अपना नाम भरना, पुत्र या जो है पुत्र श्री अपने पिता का नाम, निवासी जहां से वो घोषणा करता हूं या करती हूं, जो भी है अपना वो, मैंने विवाह के समय जो है यहां पर पश्चात कोई दहेज नहीं लिया है। तो ये ज्यादातर पुरुषों पर अप्लाई होगा क्योंकि दहेज वहेज तो वही लेते हैं, तो ऐसे में उन लोगों को ये अपना भरना पड़ेगा। तो यहां पर मैं और जो भी पुत्र हूं वो जो पुत्र श्री अपने पिता का नाम, फिर निवासी और अपने निवास, घोषणा करता हूं कि मैंने विवाह के समय पश्चात कोई दहेज नहीं लिया। इस तरह से जो पुरुष वर्ग के लोग हैं शायद उनसे ही ये दहेज वाला सिस्टम उनको फॉलो करवाया जाएगा। प्रेमा देवी लखीमपुर खीरी से आती है, उन्होंने अपने वहां एक ये लेटर जो निकला है डीपीओ का है लखीमपुर के, 13 अक्टूबर को उन्होंने निकाला था, इसके बारे में आइए हम लोग जान लेते हैं। इसमें कहा गया है कि यहां पर आप देख सकते हो 13 अक्टूबर के द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लखीमपुर खीरी के माध्यम जो है माननीय अध्यक्ष जनपद न्यायाधीश महोदय के निर्देशानुसार आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आजादी अमृत महोत्सव अभियान को सफल बनाने के उद्देश्य से आम जनमानस को विधिक रूप में जागरूक करने हेतु जो है आंगनबाड़ी सेंटर पर आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिका, इनकी कमेटी का गठन किया गया है। आप लोगों को पता होना चाहिए आजादी का अमृत महोत्सव नाम से जो ये एक अभियान चल रहा है, इसमें जो है सरकार विधिक जानकारी देती है। विधिक का मतलब होता है कानूनी जानकारी, यानी जो भी विधि विधान से चीजें हैं, कानूनी पेच है, जो भी है, आप लोगों को पता होने चाहिए सिस्टमैटिक तरीके से कैसे किन-किन जो है समस्याओं से लोग लड़ सकते हैं। जैसे महिला है, आप अगर आपको कोई तंग कर रहा है तो आप उसके खिलाफ कैसे एक्शन लें, इस तरह से आपको विधिक जो है कानूनी जानकारियां प्रदान कराई जाएंगी। आगे बात करते हैं, जैसा कि लिखा है कमेटी सदस्य जो है प्रकार सामग्री जैसे पंपलेट जो है प्राप्त कर ले और अपने क्षेत्र अंतर्गत वितरित करते हुए आम जनमानस को विधिक रूप से जागरूक करने हेतु निर्देशित किया गया है। इसमें नीचे देख सकते हो कि कार्यालय में से जो है पंपलेट प्राप्त करके आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिकाओं को आज ही उपलब्ध कराएं, साथ ही यह भी निर्देशित करें कि आम जनमानस को विधिक रूप से जागरूक करेंगी तथा आजादी का अमृत महोत्सव व्हाट्सएप ग्रुप पर भी जुड़कर आंगनबाड़ी सहायिका द्वारा की गई जो गतिविधियां हैं उनसे नीचे अंकित प्रारूप पर प्रतिदिन
4 बजे तक अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएंगी, जिससे उक्त सूचना जो है यहाँ पर सचिव सिविल जज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लखीमपुर खीरी को दिन प्रतिदिन प्रेषित की जाए। लिखा है आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिका का नाम, केंद्र का नाम, आंगनबाड़ी सहायिका द्वारा कितने घरों में जागरूक जो है लोगों को किया गया उनकी संख्या, कितने लोगों को जागरूक किया गया उनकी संख्या, यानी घरों की भी संख्या और जागरूक लोगों की भी संख्या। अब बात करते हैं अगले मैटर की, जो कि यहां पर आया है सैम कुपोषित बच्चे, इनको यहां पर बोलना है कुपोषण से मुक्त कराने के लिए कार्य योजना बनाई गई है। इस कार्य योजना के संबंध में आया है, इसमें प्रक्रिया लिखी गई है जिसमें आंगनबाड़ी केंद्र पर पंजीकृत सैम बच्चों को संबंधित ग्राम प्रधान और बीडीसी और ग्राम सभा के अन्य सम्मानित ग्रामवासी उनको गोद दिलाया जाएगा। तो गवर्नमेंट यह काम करवा रही है, जो भी वहां पर पंजीकृत सैम बच्चे हैं कुपोषित वाले, तो उनको जो है यहां पर गांव के प्रधानों को और बीडीसी वालों को और ग्राम सभा के अन्य जो सम्मानित ग्रामवासी हैं उनको जो है यहां पर गोद दिलवा दिया जाएगा। ग्राम प्रधान, बीडीसी व अन्य सम्मानित प्रवासी, इसमें क्या लिखा है यह ध्यानपूर्वक देखते हैं। लिखा है ग्राम प्रधान, बीडीसी व ग्राम सभा के अन्य सम्मानित व्यक्ति द्वारा गोद लिए गए सैम बच्चों को 1 किलो चना, 1 किलो मूंगफली, 1 किलो सोयाबीन की बड़ी, 500 ग्राम गुड़, 100 ग्राम देसी घी की जो है ये पोषण पोटली उनको दिलाई जाएगी। तो ये देखो उनको पोषण पोटली के रूप में डायरेक्ट दिया जाएगा, ये आंगनबाड़ी के जो के जरिए नहीं बांटेगा, यहां पर ध्यान देना, ये डायरेक्ट पोटली दी जाएगी। इनका नाम है पोषण पोटली, जिसमें आपको ये मूंगफली वगैरह भी मिलेंगी जो भी मैंने इतना बताया, ठीक। जिसके उपरांत आंगनबाड़ी कार्यकर्ती आशा एनएम इनके द्वारा कुपोषित बच्चों के गृह भ्रमण के दौरान इस पोषण पोटली की सामग्री से लड्डू बनाने की विधि बताएं या अपने सामने बनवाएं, यह भी बताएं कि इस लड्डू को बच्चों को 1 माह तक खिलाएं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती आशा प्रत्येक सप्ताह गृह भ्रमण के दौरान बच्चों के स्वास्थ्य की स्थिति से भी अवगत हों, साथ ही यदि किसी प्रकार की कोई चिकित्सीय जटिलता देखे तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें। प्रत्येक 15 दिन पर RBSK वगैरह टीम बच्चों से संपर्क करे तथा बच्चों की प्रगति देखे। समझ में यह नहीं आ रहा है कि 5500 की नौकरी में विभाग कितना काम लेना चाहता है, ये अपने आप से आप लोग सोचिएगा। और मुझे ठीक नहीं लगता, इतना ज्यादा काम इस विभाग में है और पैसा है ही नहीं। अब आप समझ सकते हो ये नौकरी, इससे अच्छा है कि आप जो है गांव में एक दुकान खोल लो और आराम से सामान कुछ भी बेचो, ज्यादा मुनाफा मिलेगा, सुकून की जिंदगी होगी, इससे ज्यादा तो आप वैसे भी कमा लोगे जितना इस नौकरी में आपको इतनी दौड़ भाग ऊपर से अधिकारियों की धौंस ये सुनने के बजाय आपको मिलता होगा। खैर आगे देखिए, समीक्षा में लिखा है बाल विकास परियोजना अधिकारी और क्षेत्रीय मुख्य सेविका गोद लिए सैम बच्चों की नियमित समीक्षा की जाएगी तथा प्रत्येक 15 दिन पर विकास खंड स्तर पर उक्त के संबंध में बैठक की जाएगी और प्रगति से जिला जो कार्यक्रम अधिकारी है इनको भी अवगत कराया जाएगा। साथ ही प्रत्येक माह होने वाली ब्लॉक कन्वर्जेंस की बैठक में उक्त बिंदु पर चर्चा भी दोस्तों की जाएगी। और यहां पर ये चीजें लिख दी गई हैं, बच्चों को आगामी 3 माह के अंदर कुपोषण से मुक्त कराना है, ये लक्ष्य भी जौनपुर में मुख्य विकास अधिकारी ने लेटर निकाला और ये जारी किया है। शिव कुमारी बहन जौनपुर से आती, उन्होंने इस लेटर को भेजा था, साथ ही उषा बहन बलिया से आती है और इनके अलावा ये सरोज सिंह बहन गाजियाबाद से आती है और ये है हेमलता जो की वाराणसी से आती है, सुधा बहन सिद्धार्थनगर से आती है और ये है सेलवंती देवी जो की देवरिया से आती है, इनके अलावा ये मीरा कुशवाहा कुशीनगर से आती है और लास्ट में है रेणु त्यागी जो की मेरठ से आती है। और शाम का वीडियो दोस्तों हम यहीं तक रखते हैं और उम्मीद करते हैं आप सबको वीडियो पसंद आया होगा, धन्यवाद। सुबह के वीडियो में हम फिर आपको मिलेंगे और हाँ कोशिश रहेगी कल सुबह के वीडियो में आप लोगों को अगले सप्ताह प्री प्राइमरी वाला जो गतिविधि कैलेंडर है वो दिखाएंगे और बताएंगे कि किस दिन क्या क्या गतिविधियां आपको केंद्र पर